अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम बाय सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस। आई एम डॉक्टर मोहम्मद बिलाल सज्जाद। हम लोग किंगडम एनिमेलिया चैप्टर नंबर 10 पढ़ रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है क्लास ममेलिया। मैमल्स का वर्ड जो है वो सबसे पहले कार्लोस लीनियस ने इस्तेमाल किया उन एनिमल्स के बारे में जो कि अपने यंग वंस को, अपने बच्चों को नरिश करते हैं फ्रॉम मिल्क, फ्रॉम मेमरी ग्लैंड्स। ये मेमरी ग्लैंड्स जो है ब्रेस्ट पे मौजूद होते हैं मदर की। मोस्ट एडवांस्ड ऑर्गेनिजम्स हैं मैमल्स, ये मोस्ट कम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स हैं, मोस्ट एडवांस ऑर्गेनिजम्स हैं, और इनका जो नर्वस सिस्टम है और ब्रेन जो है वो सबसे ज़्यादा एडवांस्ड है, सबसे ज़्यादा कम्प्लेक्स है। इट इज़ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड दैट मैमल्स हैव एवॉल्व फ्रॉम रेप्टेलियन एंसेस्टर्स द कॉटलोसॉर्स। कॉटलोसॉर्स थे रेप्टेलियन एंसेस्टर जिनसे मैमल एवॉल्व हुए हैं और ये फॉसिल रिकॉर्ड से हमें सजेस्ट होता है। द एंसेस्टर्स ऑफ मैमल्स लिव सिमल्टेनियसली अलॉन्ग विद रेप्टाइल्स। ये जो एंसेस्टर्स थे ममेलियन एंसेस्टर्स, ये बेसिकली रेप्टाइल्स के साथ ही रहते थे जुरासिक टाइम्स के अंदर, यानी जो डायनासोर्स का टाइम था, और इन्हें मैमल लाइक रेप्टाइल्स कहते थे। और इनमें से कुछ जो थे वो माइस के साइज, चूहे के साइज के थे और दरख्तों पर टाइम गुजारते थे। इसमें से एक एग्जाम्पल है वेरानॉप की। ये वेरानॉप की आपको एक इमेजिनरी जो है डायग्राम शो हो रही है और ये इसका फॉसिल रिकॉर्ड है जिससे हमें इसकी शेप का अंदाजा होता है। प्रोबेबली एट लीस्ट फाइव ग्रुप्स ऑफ सच मैमल लाइक रेप्टाइल, इस तरह के पांच ग्रुप थे जो कि मैमल लाइक रेप्टाइल्स थे जिनके अंदर ममेलियन करेक्टर्स 50% मौजूद था और साथ ही साथ रेप्टेलियन फीचर्स मौजूद थे, और ये डोमिनेट किए सिनोजोइक पीरियड के अंदर जो कि जुरासिक पीरियड के बाद का टाइम है। इसके बाद हम जनरल करेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं मैमल्स के। दो मेजर चीज़ें जो कि मैमल्स को तमाम एनिमल्स से डिफरेंशिएट करती है, तमाम वर्टिब्रेट से डिफरेंशिएट करती हैं, एक तो उनकी बॉडी जो है वो हेयर से कवर होती है। आइदर होल बॉडी उनकी हेयर से कवर होगी या सर्टन रीजन्स के ऊपर जो है हेयर ग्रोथ मौजूद होगी। इसी तरह जो सेकेंड फीचर है वो है प्रेजेंस ऑफ मेमरी ग्लैंड जिससे ये अपने यंग वंस को नरिश करते हैं। इसके बाद हम फर्दर कुछ जनरल करेक्टरिस्टिक्स मैमल्स के स्टडी करते हैं, बॉडी को स्टडी करते हैं। बॉडी जो है वो डिफरेंट रीजन्स में डिवाइड होती है। उसमें हेड रीजन आ जाता है, नेक रीजन आ जाता है, ट्रंक आ जाता है, ट्रंक के अंदर चेस्ट रीजन, एब्डोमिनल रीजन आ जाता है, इसी तरह पेल्विक रीजन आ जाता है, और उसके बाद फिर टेल होती है जो कि पेल्विक रीजन के साथ कनेक्टेड होती है। इनके अंदर एक स्ट्रक्चर मौजूद होता है, मस्कुलर शीट मौजूद होती है जिसे डायफ्रेम कहते हैं, जो कि बेसिकली चेस्ट कैविटी को सेपरेट करती है एब्डोमिनल कैविटी के साथ, चेस्ट ऑर्गन्स को सेपरेट करती है एब्डोमिनल ऑर्गन्स के साथ। ये रेड कलर में आपको डायफ्राम मसल नजर आ रहा है। ये एक तो सेपरेशन का काम करता है और साथ ही साथ ये रेस्पिरेटरी रिस्पायरेशन में भी असिस्ट करता है। स्किन जो है इनकी थिक होती है और वाटरप्रूफ होती है। इनका जो जॉ है जिसमें से जो लोअर जॉ है वो मूवेबल होता है और वो स्कल के साथ कनेक्टेड होता है। जॉ जो है वो सिंगल लार्ज बोन का बना होता है। इनके अंदर मिल्क टीथ होते हैं बच्चों के अंदर, और जो जो बच्चे जो है एज में इनका इजाफा होता है तो आहिस्ता आहिस्ता वो जो टीथ है, मिल्की टीथ जो है वो ड्रॉप करते हैं और वो टोटली जो है वो रिप्लेस हो जाते हैं परमानेंट टीथ के साथ। तो ये आपको इनके टीथ जो है ये शो हो रहे हैं। इसके बाद जो है फर्दर इनके वॉइस ऑर्गन के बारे में पढ़ते हैं। वॉइस ऑर्गन जो इनका वो लैरेंक्स है और उसके अंदर वोकल कॉर्ड्स होते हैं जो कि वॉइस प्रोड्यूस करते हैं। दीज हैव इंटरनल ईयर, इनका इंटरनल ईयर होता है, मिडल ईयर होता है और एक्सटर्नल ईयर होता है। जो बाहर से आपको कान का हिस्सा नजर आता है उसे पिना कहते हैं। वो एक ईयर कैनाल से जो है वो मिडल ईयर के साथ कनेक्टेड होता है और उसके बाद जो है इंटरनल ईयर होता है। देर इज चेन ऑफ थ्री बोन्स इन द ईयर, ईयर के अंदर थ्री बोन्स होती हैं जिसमें मेलियस, इनकस और स्टेप्स आ जाती हैं। दीज हैव टू पेयर्स ऑफ पेंटाडेक्टल लिम्स। पेंटाडेक्टल लिम्स का मतलब है यानी पांच उंगलियों वाले पैर होते हैं इनके, और वो मुख्तलिफ हैबिटेट्स के अकॉर्डिंग अडेप्ट हुए होते हैं। जिस तरह के हैबिटेट में ऑर्गेनिज्म रहता है, जिस तरह की उसकी एक्टिविटीज होती हैं, उसके अकॉर्डिंग उसके लिम्स जो हैं वो अडेप्ट किए होते हैं। जिस तरह ह्यूमंस जो हैं वो अपने लोअर लिम्स को वॉक करने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो उनके जो हाइंड लिम्स हैं वो ज्यादा पावरफुल हैं। अगर हम चिंपैंजीज की बात करें या तो वो ज्यादातर जो है वो ट्रीज के ऊपर टाइम गुजारते हैं और अपने फोर लिम्स को ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। उनके फोर लिम्स जो है स्ट्रॉन्गर होते हैं एज कम्पेयर टू हाइंड लिम्स।
तो ये मैंने एग्जांपल आपके साथ शेयर किया। इसके बाद हम हार्ट के बारे में पढ़ते हैं। इनका हार्ट भी फोर चैम्बर्ड है जिस तरह बर्ड्स का था, और ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो टोटली सेपरेट होता है, और ये डबल सर्किट हार्ट होता है। इसमें दो तरह की सर्कुलेशन होती है, एक सिस्टेमिक सर्कुलेशन और एक पल्मोनरी सर्कुलेशन। सिस्टेमिक सर्कुलेशन जो है वो बॉडी और हार्ट के दरमियान है, पल्मोनरी सर्कुलेशन जो है वो हार्ट और लंग्स के दरमियान होती है। लेफ्ट एओर्टिक आर्च मौजूद होती है जो कि आगे एओर्टा के थ्रू बॉडी में जो है ब्लड को सप्लाई करती है। रेड ब्लड सेल्स के जो है वो नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं, वो अपना न्यूक्लियस लूज कर देते हैं जैसे ही वो मेच्योर होते हैं। नर्वस सिस्टम इनका वेल डेवलप्ड होता है, और हाईली डेवलप्ड ब्रेन इनके अंदर मौजूद होता है। इनसे ज्यादा एडवांस और लार्ज साइज का ब्रेन और किसी भी वर्टिब्रेट के अंदर मौजूद नहीं होता। ये वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं, अपना मेटाबॉलिक हीट प्रोड्यूस करते हैं, अपना टेम्परेचर हाई रखते हैं और उसको मेंटेन भी करते हैं, होम्योथर्मिक है। रिस्पायरेशन जो है वो लंग्स के थ्रू होती है, जिस तरह बर्ड्स में भी लंग्स होते हैं इनके अंदर भी लंग्स होते हैं। इसी तरह रिब्स के साथ इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं, वो डायफ्राम के साथ, इंटरकोस्टल मसल्स और डायफ्राम मिलके जो है वो लंग्स की मूवमेंट करवाते हैं, और इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन के थ्रू जो है ये ब्रीथ कर पाते हैं। सेक्सेस इनमें सेपरेट होते हैं। मोस्ट मैमल्स जो हैं वो वीवी पैरसाइट, यानी वो अपने यंग वंस को बर्थ देते हैं, वो एग ले नहीं करते, लेकिन कुछ ओवी पैरस भी होते हैं, ओवा वीवी पैरस भी होते हैं। वो एग ले करते हैं, लेकिन उस एग के अंदर जो है वो डेवलपमेंट हो चुकी होती है, और एग हैच करता है और यंग वन जो है वो रिलीज हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन को ओवा वीवी पैरस कहते हैं। क्योंकि मैंने नाम डिस्कस किया है तो इसलिए मैंने फिर आपको उसको एक्सप्लेन भी कर दिया। फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट दोनों ही इंटरनल है, और ये मोस्ट कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजेशन इनके अंदर मौजूद होती है। अब हम इनकी सब क्लासेस को डिस्कस करते हैं। थ्री सब क्लासेस हैं, जिसमें से पहली क्लास है प्रोटोथीरिया, इन्हें मोनोट्रेम्स भी कहते हैं, और एगलिंग, आम जुबान में एगलिंग मैमल्स कहते हैं। ये एग ले करते हैं। द मेंबर ऑफ दिस ग्रुप हैव करेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ रेप्टाइल्स एंड मैमल्स, और ये लिंक जनरेट करते हैं दोनों के दरमियान, मैमल्स और रेप्टाइल्स में इनमें काफी हद तक सिमिलर करेक्टरिस्टिक्स मौजूद होते हैं। इसके अंदर दो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स आती हैं, एक एग्डिना जिसे स्पाइनी आंट ईटर कहते हैं, और साथ ही साथ डकबिल प्लेटिपस। ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर पाए जाते हैं, और ये पानी में भी टाइम गुजारते हैं, जिसमें जिस तरह डक बिल प्लेटिपस आपको ये नजर आ रहा है, ये डक की शेप का होता है, और साथ ही साथ इसके जो टोज होते हैं वो वेब्ड होते हैं, डक की तरह की बीक आपको नजर आ रही है, लेकिन ये है मैमल है। इसके बाद इनकी बॉडी के फीचर्स पढ़ते हैं, जो कि थिक फर से यानी हेयर से कवर होती है। मैमरी ग्लैंड्स मौजूद होते हैं। लेफ्ट ऑर्टिक आर्च भी मौजूद होती है, जिसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। डायफ्राम भी मौजूद होता है, जो कि सेपरेट करता है अब्डोमिनल और थोरेसिक कैविटीज को। रेप्टेलियन करेक्टर्स इनके अंदर ये है कि ये यॉर्की शेल्ड एग जो है वो ले करते हैं। क्लोएका इनके अंदर मौजूद होती है, जो कि कॉमन ओपनिंग है यूरिनरी ट्रैक की और डाइजेस्टिव सिस्टम की। अलहदा से सेपरेट ओपनिंग्स इनके अंदर मौजूद नहीं होती। स्केलेटल फीचर्स जो है वो काफी हद तक रेप्टाइल से मिलते हैं। अब हम लोग सेकेंड क्लास पढ़ते हैं, जिसे मार्सुपियल्स भी कहते हैं, मेटाथीरिया क्लास, सब क्लास मेटाथीरिया कहते हैं, इन्हें मार्सुपियल्स भी कहते हैं, और मार्सुपियल्स को पाउच्ड मैमल्स भी कहते हैं आम अल्फाज में। इनके अंदर मार्सुपियम एक स्ट्रक्चर होता है, जो कि एक एब्डोमिनल पाउच होता है। जब ये अपने यंग वन को बर्थ देते हैं तो वो कंप्लीटली मेच्योर नहीं होता, उसको मार्सुपियम में ये कन्वर्ट कर देते हैं, शिफ्ट कर देते हैं, ताकि उसकी फर्दर जो है डिवेलप, यानी वो मेच्योर हो सके कुछ टाइम के लिए। द यंग वंस आर बोर्न आर इमेच्योर, वो इमेच्योर होते हैं, और कैरिड बाय मदर इन द मार्सुपियम, मदर जो है उसको मार्सुपियम में शिफ्ट कर देती है, और वहीं से वो फीडिंग हासिल करते हैं, मिल्क हासिल करते हैं, और वहीं पे मेमोरी ग्लैंड्स भी मौजूद होते हैं मार्सुपियम के अंदर। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मार्सुपियम दीज एनिमल्स आर कॉल्ड मार्सुपियल्स और पाउच्ड मैमल्स, इन्हें पाउच्ड मैमल भी कहते हैं, जहाँ पे ये अपने बच्चे को कैरी करते हैं। इसमें एग्जाम्पल आ जाती है कैंगरू की, ये कैंगरू आपको ऊपर नजर आ रहा है। इसी तरह अपोसम जो है ये रैट लाइक मैमल है, और देखने में रैट है लेकिन ये रैट बेसिकली नहीं है, ये उसकी तरह का एक ऑर्गेनिज्म है जो कि
जिसे अपॉसम कहते हैं, ये ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में पाया जाता है। इसी तरह तस्मानियन वुल्फ, ये आपको एक वुल्फ नजर आ रहा है जो पीछे से टाइगर लाइक है, लेकिन ये एक्सटिंक्ट कर चुका है, आजकल ये मौजूद नहीं है। इसके बाद हम थर्ड क्लास जो है उसको स्टडी करेंगे, जिसे यूथीरिया कहते हैं। ये थर्ड सब क्लास है मैमल्स की, इनको प्लेसेंटल मैमल्स भी कहते हैं, क्योंकि डेवलपमेंट के दौरान एम्ब्रियो जो है वो प्लेसेंटा से नरिशमेंट हासिल करता है। इनके अंदर एक एम्ब्रियोन एक डेवलपमेंट एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर मौजूद होता है जिसे प्लेसेंटा कहते हैं, जो कि बेसिकली कनेक्शन का काम करता है मदर बॉडी और फीटस के दरमियान। ये जो यूथेरियंस हैं, प्लेसेंटल मैमल्स, ये सबसे ज्यादा वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड एनिमल्स हैं अलोंग ऑल हैबिटेट्स। पानी में भी पाए जाते हैं, जमीन पे भी पाए जाते हैं, हवा में भी पाए जाते हैं। हवा में एग्जाम्पल बैट्स की आ जाती है, और बाकी जमीन में और वाटर में पाई जाने वाली काफी स्पीशीज हैं। वाटर की मैं एक दो डिस्कस कर लेता हूँ। आपने वहेल या डॉल्फिन्स वगैरह का नाम सुना होगा, वो बेसिकली इसी क्लास से बिलोंग करते हैं। वहेल और डॉल्फिन जो है वो यूथीरिया से ही यूथीरियन मैमल से बिलोंग करती है। द डेवलपमेंट ऑफ यंग वन इन मदर बॉडी, मदर बॉडी के अंदर जो है वो यंग वन की डेवलपमेंट कंप्लीट होती है, मैक्सिमम होती है, और वो बॉर्न होता है फुली डेवलप्ड। अब आगे फर्दर हम लोग पढ़ते हैं, दीज आर कॉल्ड प्लेसेंटल मैमल्स बिकॉज इन दीज मैमल्स ड्यूरिंग डेवलपमेंट इन द मदर बॉडी प्लेसेंटा इज फॉर्म, जो कि एक कनेक्शन है, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है फ्रॉम मदर बॉडी टू द फीटस। ये प्लेसेंटल मैमल्स जो हैं, इनके मैक्सिमम मेमेलियन करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, यानी ये मोस्ट एडवांस मैमल्स हैं। कुछ के अंदर जो हेयर्स हैं वो मॉडिफाई हो जाते हैं स्केल्स के अंदर, जिस तरह पेंगोलिन, और स्पाइन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं पॉर्क्यूपीन। ठीक है, ये आपको इसमें एग्जांपल्स अगर हम डिस्कस करें तो मैन यानी इंसानों का जिक्र किया गया, वेल एलिफेंट आ जाता है। व्हेल जो है वो लार्जेस्ट मैमल है इन वाटर एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स में से, और एलिफेंट जो है वो लैंड पे पाया जाने वाला सबसे बड़ा एनिमल है। इसी तरह हॉर्सेस आप जानते हैं, रैट, माइस, बैट। बैट जो है वो फ्लाइंग मैमल है, और डॉल्फिन जो है, ये आपको नीचे पिक्चर नजर आ रही है, ये ऊपर आपको मैन जो है ये नजर आ रहा है हॉर्स को लिफ्ट किया हुआ इसने। यहाँ पे हमारा टॉपिक खत्म होता है। इस टॉपिक के वाले से अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।